नमस्कार, इस वक्त मैं फिल्लौर में हूँ और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विक्रमजीत सिंह हैं और ये यहाँ के अभी टिकट इनको मिली है कांग्रेस की तरफ से और काफ़ी नेशनल लेवल पे भी काफ़ी इनका एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटिक्स में। पंजाब की जो मौजूदा स्थिति है विक्रमजीत जी, किस तरह का बनता हुआ दिख रहा है? मतलब देखिए, पंजाब पिछले 10 साल में जो अकाली दल भाजपा की सरकार थी, इन 10 सालों का जो दौर रहा है जी, वो जो पंजाब में आतंकवाद का समय आया उससे भी ज़्यादा बुरा ये 10 साल का समय रहा है। और पंजाब के हर वर्ग को जो बादल सरकार थी श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की जी, उन्होंने हर वर्ग को दबाने की कोशिश की है और पंजाब का किसान, पंजाब का नौजवान, पंजाब का गरीब, पंजाब का मजदूर, पंजाब का दलित, पंजाब की महिलाएं, इन सब पे बहुत ज़्यादा, इन सब के साथ बहुत ज़्यादा बेइंसाफी हुई है और अब लोग बदलाव चाहते हैं। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो धर्म के नाम पे कभी वोट नहीं लेती। अकाली दल ने हमेशा ये काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी हमेशा इस मुद्दे पे चुनाव लड़े हैं। और जैसे बहुजन समाज पार्टी है, वो भी इस मुद्दे पे ही चुनाव लड़ती है। कांग्रेस हमेशा डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है। कांग्रेस पार्टी की पंजाब में बहुत अच्छी हवा है और हमें यकीन है कि आने वाली 11 तारीख को जो नतीजे निकलेंगे उसमें कांग्रेस पार्टी की, ये फिल्लौर की बात करें विक्रम जी, ये रिजर्व सीट है, दलितों की क्या स्थिति है और जो सेंट्रल स्कीम है क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन देखिए मैंने फिल्लौर विधानसभा के तकरीबन 70% गाँवों का डोर टू डोर किया है। घर घर जाके मैंने लोगों की मुश्किलें का जायज़ा लिया है जी। और इसके दौरान सबसे जो दुखदायक बात है कि फिल्लौर विधानसभा में पिछले 10 साल से गरीबों का कोई विकास नहीं हुआ। आज भी लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं, आज भी सैकड़ों ऐसे घर हैं हर गांव में जहां शौचालय नहीं है, टॉयलेट्स नहीं हैं। आज भी ज़्यादातर जो हमारे गांव हैं उनका जो वाटर सीवरेज सिस्टम है वो कलैप्स हुआ पड़ा है और हर गांव में तकरीबन 20 से 25 घर ऐसे हैं जिनकी छत नहीं है, छत गिरी हुई है। और जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी, इन सब मुद्दों पे बहुत गंभीरता से काम किया गया था। और जो आज 2007 में जहां कांग्रेस पार्टी इन गरीबों का विकास लेकर गई थी, आज 2007 के बाद 2017 तक 10 साल में इस वर्ग के किसी भी काम को श्रोमणी अकाली दल ने नहीं। इस बार डेवलपमेंट का इशू लेके अकाली दल और बीजेपी कंबाइन जो है वो चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इस पर डेवलपमेंट। पहले एक आदमी झूठ बोलता था, अब यहाँ कई झूठ बोलने वाले आ गए। पहले सुखबीर सिंह बादल झूठ बोलते थे, उनका नाम ही गप्पी रखा था, मुंगेरी लाल। अब जैसे वो पंजाब के मुंगेरी लाल थे, ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी भारत के मुंगेरी लाल। डेवलपमेंट का कोई भी 10 साल में यहाँ अगर काम हुआ है तो वो भारत सरकार, यूपीए की जो कांग्रेस की सरकार है, उसके प्रोग्राम्स, उसके प्रोजेक्ट से हुआ है। इनका अपनी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 10 साल में सुखबीर सिंह बादल और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल एक भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट बताते हैं जो केवल इनने खुद किया। इन डेवलपमेंट हुआ है पंजाब में, पर वो सिर्फ और सिर्फ बादल परिवार का हुआ है और बादल परिवार की जो पार्टी है अकाली दल, उनके नेताओं का, आम आदमी का, गरीब का यहाँ कोई डेवलप। लगातार जो प्रेजेंटेशन देते रहे सुखबीर बादल, उसमें वो बता रहे हैं कि 6 लेनिंग हो रहा है, हवाई अड्डे बहुत सारे आगे पंजाब। देखिए, हवाई अड्डे भी भारत सरकार बनाती है, जो नेशनल हाईवेज हैं वो भी भारत सरकार बनाती है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के दौरान पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछा है। तो ये सब जो काम हुआ है और जो काम अब निकल के बाहर आ रहा है, जिसकी ये इनॉग्रेशंस कर रहे हैं, वो सारे काम डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के समय के शुरू हुए। तो ये इनको आदत है
काम कोई करता है और फ़ायदा ये ले जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं पंजाब युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ 4 साल, और यहाँ यूपीए गवर्नमेंट की चलाई हुई एम्बुलेंसेस थी, उस पर बादल साहब ने अपनी तस्वीर लगा दी। भारत सरकार ने सब्सिडाइज्ड, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सब्सिडाइज राशन भेजा पूरे हिंदुस्तान। पंजाब में उस राशन को बांटने के लिए नीले कार्ड बना दिए गए, बादल साहब की तस्वीर लगा दी गई। आदेश प्रताप कैरों जो उनके मिनिस्टर थे फूड सप्लाई, उनकी तस्वीर लगा दी गई, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। ये तो हर स्टेट करती है नहीं, मतलब तो हमने वो लड़ाई लड़ी, और मैं और मेरे यूथ कांग्रेस के साथियों ने कोर्ट तक जाके हाई कोर्ट तक हम लड़े, और हम उसमें सफलता प्राप्त किया। और आज देखिए आप एम्बुलेंस पे बादल साहब की तस्वीर नहीं, नीले कार्ड पे बादल साहब की तस्वीर नहीं, सर्व शिक्षा अभियान के प्रोग्राम के तहत जो गरीब बच्चियों के लिए साइकिल आते थे स्कूल जाने के लिए, उस पर भी बादल साहब ने तस्वीर लगवाई थी, पर हमने वो हटवाई। तो अब लोगों को कहीं ना कहीं अवेयरनेस हो गई है कि ये बादल का काम नहीं है, ये बादल गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार का ये इनिशिएटिव था। और आप देखेंगे इस बार जो चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे उसमें अकाली दल का पंजाब में एकदम सफाया हो। एक चीज़ काफ़ी बदला है पिछले 10 सालों में कि ड्रग्स की चर्चा हो रही है, और जिस तरह से युवाओं के डेथ्स हुए हैं दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड। देखिए एक बड़ी सामाजिक समस्या, बदकिस्मती है कि पंजाब का युवा बेरोजगार है, और बेरोजगार युवा के पास नशा फ्रीली अवेलेबल है। और पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में खुद एफिडेविट दिया है कि 70% नौजवान नशे की पकड़ में है। तो आज तक इस पे रोक लगाने का बादल सरकार ने कोई यत्न नहीं किया। हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे प्रेसिडेंट कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ये एक सौगंध खाई है कि कांग्रेस सरकार बनने के 4 हफ्ते के अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब को नशा मुक्त करेगी, और नशे के दलदल में फंसे हुए युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनके इलाज कराएगी, उनकी काउंसलिंग करेगी और उनको रोज़गार देगी। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा जिससे पंजाब का युवा जो गलत रास्ते पे चल पड़ा है वो वापस आएगा। कांग्रेस पार्टी ने एक और बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर हर घर में एक नौकरी देने जा रही है। तो हर घर में जब एक नौकरी होगी तो उससे भी जो युवा गलत रास्ते पे चला गया था उसको हम वापस लाने में सफल होंगे। लोकल इशू है कि आपके इलाके में रेत माफिया काफ़ी प्रेवलेंट है, काफ़ी पावरफुल है। हाँ, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सतलुज के साथ साथ चलता है, और यहाँ करोड़ों का रेत का काला काम हुआ है, और हमारे पास उस सब लोगों का हमारे पास डाटा है, और इसको हम सरकार कांग्रेस की बनते सार ही हम इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, और अब ये जो रेत का माफिया यहाँ काम कर रहा था उस पर बिल्कुल नकेल लगा दी जाए। आपके इलाके में, आखिरी सवाल, आपके इलाके में मुकाबला आपका किस पार्टी से है? बहुजन समाज पार्टी चूँकि इस एरिया में काफ़ी, देखिए बहुजन समाज पार्टी हमेशा सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल की बी टीम की तरह काम किया है। पिछली बार जो बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट था, इस बार वो अकाली दल का कैंडिडेट है, तो इससे साफ पता लगता है कि ये हैंड इन ग्लव हैं, ये मिले हुए हैं। इस बार भी एक होशियारपुर से कैंडिडेट उठा के फिलौर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये लेकर आए हैं, और उनको ये सवाल हम करते हैं कि क्या आपको पूरे फिलौर में कोई ऐसा योग उम्मीदवार नहीं मिला जो आप होशियारपुर से उठा कर लाए? तो इससे एक मैसेज गया है पूरी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कि बादल और जो BSP की लीडरशिप है वो आपस में वो मिले हुए हैं, वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं ताकि गरीब लोगों को गुमराह करके, दलितों को गुमराह करके ये कांग्रेस का वोट बैंक तोड़ें। पर अब हमारे जो इलाके के लोग हैं वो इनकी ये जो राजनीति है, इनका जो ये पॉलिसी है उसको वो समझ बैठे हैं, और इस बार इनका ये पैंतरा चलेगा नहीं। विक्रम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका दैनिक सवेरा से बातचीत करने के लिए। ज़रूरत है कि जो युवा नेता हैं इस तरह के और सुलझे हुए विचारों वाले, उनको राजनीति में आने की ज़रूरत है, राजनीति में सक्रिय होने की ज़रूरत है। पंजाब में हमने देखा, जगह जगह हम जा रहे हैं, सब जगह हमने देखा कि स्थानीय मुद्दे तो हैं लेकिन कांग्रेस के सीधे सीधे निशाने पर अकाली दल
बीजेपी कंबाइन है, तो हम आपको बाकी विधानसभाओं में ले जाएंगे और वहाँ का हाल आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।